मैं सवाल दोहरा देता हूं, उनका सवाल यह है कि एनआरसी के सिलसिले में मैंने कुछ बात कही और वो कहते हैं कि ठीक है एनआरसी जो है वो उसका कोई सर्कुलर तो आया नहीं है, अभी एनआरसी की बात तो नहीं है, आ जाए तो कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसलिए उस ऑडियो क्लिप में जिस आदमी ने, जो ला इल्म और जाहिल आदमी था, जिसने कह दिया भाई 1951 का 54 का डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या बातें उसने बयान कर दी, कुछ इल्म नहीं है। समझ लीजिए तीन बातें हैं, एनआरसी एक्सक्लूसिवली आसाम के लिए है, आसाम का मसला 1826 से आसामी और बंगाली का झगड़ा है और इसके लिए 1979 से 1985 तक बहुत जुल्म जबरदस्ती फसादात हुए। आपको याद होगा 1985 में राजीव गांधी के साथ अकॉर्ड हुआ है ना, आसू और राजीव गांधी के दरमियान। तो एनआरसी प्योरली आसाम का इश्यू। नंबर दो एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, हर मुल्क अपनी आबादी को काउंट करता है, मर्दमशुमारी होती है हर 10 साल में। अभी जो हुकूमत ने ऐलान किया वो एनपीआर है, एनपीआर ये है कि साहब मर्दमशुमारी कांग्रेस के जमाने में भी हुआ, हर जमाने में होता है। 2009 में सर्कुलर आया, 2010 में उन्होंने पॉपुलेशन का काउंट किया, 2011 में सेंसस को उन्होंने डिक्लेयर किया, सेम ऐसा ही होगा। 2019 में सर्कुलर आया, 2020 में घर घर आकर ये लोग एनपीआर के लोग मर्दमशुमारी करेंगे, सेंसस करेंगे और 2021 में उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा कि मुल्क की आबादी कितनी है। तीसरा यह है कि हमारे होम मिनिस्टर ने कहा कि हम पूरे मुल्क के लिए एनआरसी की तरह कोई चीज लाएंगे घुसपैठियों को भगाने के लिए, ये तो डर बिठाने के लिए ना। आप में से अगर कोई घुसपैठी है तो डरना चाहिए, फौरन जाइए अपने वतन को। अगर आप यही हिंदुस्तान ही में पैदा हुए और मरे हैं तो कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। इस मजलिस में जो लोग भी आ गए हैं कहीं से, मुनासिब नहीं है कि वह हिंदुस्तान में छुपकर बैठे, चले जाइए। जो हिंदुस्तान में पैदा हुए यहीं मरेंगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तीसरा जो आएगा एनपीआर की बुनियाद पर एनआरआईसी आएगा, नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, एनआरसी इज डिफरेंट। एनआरआईसी में पूरा मुल्क आएगा एक्सेप्ट आसाम, ये बात आ गई है। इसमें यह है कि भाई ये लीगली सही चीज है कि मुल्क का कौन बाशिंदा है ये इसका रजिस्टर होना चाहिए, लेकिन इसके पीछे इनकी नीयतें खराब है, असल प्रॉब्लम वो है, नीयत खराब है। वरना एनआरआईसी नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स ये बनेगा, इसमें 1987 जुलाई, 1 जुलाई 1987 से पहले जितने लोग पैदा हुए उनका कोई मसला नहीं है, उनको अपना सिटीजनशिप बाई बर्थ बताना है। आप पैदा हुए हैं तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट, 1969 में बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट का कानून पास हुआ, उससे पहले के लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। 67-68 में जो लोग पैदा हुए, 69 से हुआ, 69 पर प्लस 15 ऐड कर लीजिए 84 के बाद के लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल में मिलेगा। 84 से पहले जो लोग एसएसएलसी पास किए उनको एसएसएलसी का बुक मिलता है, वही वो बुक है ना, उसमें आपके माँ बाप का आपका नाम वगैरह है, ये एक आपका डॉक्यूमेंट है एसएसएलसी बुक। दूसरा आपका बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन, तीसरा आपका इनकम टैक्स का पेपर हो सकता है, आपका लैंड या प्रॉपर्टी आपने खरीदा है, ये सब डॉक्यूमेंट्स होंगे। 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा होने वालों को सिर्फ अपनी शहरियत बताना है और कुछ नहीं है। 1 जुलाई 1987 के बाद जो लोग पैदा हुए उनका मसला यह है कि जो बच्चे आपके घर में हैं उनको उनकी शहरियत यानी उनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह बताना है और उनके पेरेंट्स में से एक को बताना है इंडियन है, हो गया। 1 जुलाई 2004 के बाद जो बच्चे पैदा हुए उन पर लाजिम है कि वो दो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तीन, अपना बर्थ सर्टिफिकेट, उनके बाप का इंडियन होना साबित करना पड़ेगा, उनकी मां का इंडियन होना साबित करना पड़ेगा, हो गया। अब आप मुसलमान कम्युनिटी का प्रॉब्लम समझ लीजिए, यह मेरा भी मसला है, हम लोग पढ़े लिखे होकर भी इस मामले में बहुत कमजोर हैं। वो ये कि हमारे पास पेपर्स ढंग के नहीं, हमारे पास पेपर्स नहीं है, ना पासपोर्ट बनाते ना ड्राइविंग लाइसेंस, हमारे बच्चों को ड्राइविंग लाइसेंस बनाओ बोले तो नहीं बनाते, 50 रुपए जेब में रख के फिरते इत्मीनान के साथ। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, पासपोर्ट नहीं, वोटर आईडी नहीं, प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम मैं बताता हूं, खुद मेरे घर में है, आपके घर में भी होगा, गौर से देखिए। वो ये कि साहब मेरा नाम, जैसे मेरा सर्टिफिकेट में एस अमीनुल हसन है,
ठीक है, मेरे बच्चे जो हैं, पांच बच्चे हैं, उनके स्कूल सर्टिफिकेट में मेरी बच्ची का नाम होगा और उसके बाप का नाम होगा अमीनुल हसन लिखा हुआ, एस मिसिंग है। अमीनुल हसन का स्पेलिंग AMEE नहीं होगा, AMINULHASAN, और हमने केयर ही नहीं किया उस जमाने में। ये सब प्रॉब्लम आने वाला है बहुत मुसलमानों के साथ, ये बड़ा मसला है। हमारे एक दोस्त से मुलाकात हुई अभी, उन्होंने कहा कि उनके सात बच्चे हैं, उनकी बीवी के चार नाम हैं, जो हॉस्पिटल से जाता है चार नाम हैं, एक में खानम लगा हुआ है, एक में बेगम लगा हुआ है, एक में निशा लगा हुआ है, एक में फला लगा हुआ है। हमारा प्रॉब्लम इसको जल्द अज जल्द हमको चेंज नहीं करना है भाई, गलती से भी मेरा नाम स्पेलिंग मिस्टेक अगर लिख दिया गया है उसको मान लें हम। मेरा बर्थ डेट ऑफ बर्थ मैं 67 में पैदा हुआ, 65 लिखा दिया मेरे बाप ने, इट्स ओके फाइन, नो करेक्शन। उसको बेस पकड़कर हमारे बच्चों के पेपर को लाइन में लाना है, वरना यह होगा कि आप तो निकल जाएंगे, आपके बच्चे टिक जाएंगे। ये आपकी बीवी का नाम जो आपके शादी के रजिस्टर में सेम होना चाहिए, रुखा अगर है तो रुखा बाकी रखिए, शादी का रजिस्टर उनका नाम उनके बाप ने कुछ भी रखा हो, लेकिन इसको ठीक ठाक करना है। ये एक बहुत बड़ा काम है, नागरिक सेवक केंद्र बनाइए हर जगह और घर घर जाइए, ये पेपर्स को जो है सिंक्रोनाइज करना, इन लाइन लाना बहुत जरूरी है।